Sup guys, this is Kay. If you like this video, please like and subscribe. LIC Plan 848 बीमा श्री फीचर्स एंड कंडीशंस देखते हैं. इसका मिनिमम एज एट एंट्री है 8 साल, मैक्सिमम एज एट एंट्री है 55 साल, मिनिमम सम अश्योर्ड है 10 लाख और इसका इंटरवल 1-1 लाख से बढ़ेगा. मैक्सिमम सम अश्योर्ड, नो लिमिट. आप जितनी भी बड़ी पॉलिसी लेके आ सकते हो दोस्तों, लेके आइए, LIC में बहुत दम है. इसका प्रीमियम पेइंग टर्म PPT जिसको हम कहते हैं, वो है जितनी भी टर्म है पॉलिसी की माइनस 4 इयर्स. चलो इसको डिटेल में देखते हैं. ये पॉलिसी में टोटल 4 टर्म है. पहला टर्म जो है वो 14 साल का टर्म है, यानी 14 साल की पॉलिसी रहेगी. लेकिन 14 साल प्रीमियम नहीं भरेंगे हम, प्रीमियम भरेंगे 14 साल माइनस 4 इयर्स यानी 10 साल तक. 10 साल प्रीमियम भरने के बाद हमें सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा और ये पर्टिकुलर टर्म हम देंगे एज ग्रुप 8 साल से लेके 55 साल तक. तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो हो गया वो टर्म ऑफ द पॉलिसी माइनस 4 इयर्स यानी 14 साल माइनस 4 ईयर. दूसरा टर्म जो है वो 1 साल से लेके 16 साल तक का है और इसमें हम प्रीमियम जो है वो 16 साल तक नहीं भरेंगे. हम प्रीमियम भरेंगे 16 साल माइनस 4 ईयर्स यानी 12 साल तक और ये टर्म हम एज ग्रुप 8 से लेके 51 साल तक के लोगों को दे सकते हैं. फिर तीसरा टर्म हम देखते हैं जो कि है 18 साल का. इसमें प्रीमियम जो है वो 18 साल तक नहीं भरना है, वो भरना है 18 इयर्स माइनस 4 यानी 14 साल तक और ये टर्म हम देंगे एज ग्रुप 8 से लेके 48 साल के लोगों को. उसके बाद आखिरी जो टर्म है दैट इज 20 इयर्स का टर्म और प्रीमियम 20 साल तक नहीं भरना है, वो 20 साल माइनस 4 इयर्स यानी 16 साल तक ही भरना है और ये टर्म हम देंगे एज ग्रुप 8 से लेके 45 साल के लोगों. इसके अलावा इसमें स्पेशल बेनिफिट्स भी है जैसे गारंटीड बोनस. देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ये बहुत वोलेटाइल है, बैंक के इंटरेस्ट भी गिर रहे हैं. इसके बावजूद LIC अगले 12 साल, अगले 15 साल, अगले 16 साल का बोनस गारंटी में दे रही है. ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है. गारंटीड बोनस के साथ सर्वाइवल बेनिफिट भी है. ये पॉलिसी में डेथ बेनिफिट 125% ऑफ सम अश्योर्ड मिलेगा. इसमें सेटलमेंट ऑप्शन भी है, मतलब मैच्योरिटी मुझे लमसम में नहीं लेनी है तो मैं सेटलमेंट ऑप्शन यूज कर सकता हूँ. उसके बाद अगर मैंने ये पॉलिसी किसी बच्चे को दी है, 8 साल के बच्चे को दी है या 9 साल के बच्चे को दी है, तो प्रीमियम तो पिताजी भरेंगे, तो पिताजी के लाइफ के ऊपर प्रीमियम वेवर का बेनिफिट भी दिया है. उसके बाद लोन का बेनिफिट भी है, सरेंडर ऑप्शन का बेनिफिट भी है जो कभी यूज नहीं करना चाहिए, उसके अलावा पेड अप बेनिफिट भी है और इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट है जिसे हम बोलते हैं क्लेम कंसेशन. मान लेते हैं 3 साल का प्रीमियम हमने पे किया है और आगे का प्रीमियम हम नहीं पे कर पाए, तो 3 साल के बाद 6 महीने तक रिस्क कवर फ्री में रहेगा. यानी 6 महीने के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी नॉमिनी को पूरा क्लेम मिलेगा. अगर प्रीमियम हम 5 साल भरते हैं तो अगले 1 साल तक, अगले 12 महीने तक FUP से, FUP मतलब फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से, अगले 12 महीने तक रिस्क कवर पूरा रहेगा. इस पॉलिसी में गारंटीड बोनस है और लॉयल्टी एडिशन है. इसको डिटेल में समझते हैं. 14 साल की पॉलिसी है और हमने 10 साल प्रीमियम पे किया है तो मुझे 10 साल तक यानी जितना मैंने प्रीमियम पे किया है उस तक मुझे गारंटीड एडिशन का बेनिफिट मिलेगा. अब पहले 5 साल तक जो गारंटीड एडिशन का बेनिफिट है वो 50 रुपया पर 1000 सम अश्योर्ड के हिसाब से मिलेगा और 5 साल के बाद जब तक मेरा प्रीमियम पेइंग टर्म है मुझे 55 रुपया पर 1000 सम अश्योर्ड के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा. ये दो प्रकार के बोनस हो गए. इसके अलावा मुझे लॉयल्टी एडिशन का बेनिफिट भी मिलता है. यानी इस पॉलिसी में मुझे एक गारंटीड एडिशन 5 साल का, 2 गारंटीड एडिशन रिमेनिंग प्रीमियम पेइंग टर्म का और 3 मुझे लॉयल्टी एडिशन का बेनिफिट भी मिलता है. यानी 3 प्रकार के बोनस मुझे इस पॉलिसी में मिलते हैं, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, बराबर है. उसके बाद हम देखते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट. एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एज 30 और 14 साल की पॉलिसी है. पहला ही प्रीमियम भरने पे आपकी 10 लाख की पॉलिसी शुरू होगी. अब साल का प्रीमियम आएगा 1,14,829 रुपया. इसका प्रीमियम जो है वो आपको सिर्फ 10 साल ही भरना है
10 साल के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना है और 10वें साल में आपको मिलेगा पहला सर्वाइवल बेनिफिट जो कि है 30% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 3 लाख रुपया, क्योंकि सम अश्योर्ड है 10 लाख। उसके बाद दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट आपको 12th ईयर यानी 12वें साल में मिलता है जो है 30% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 3 लाख रुपया। और 14वें साल में आपको मिलेगा टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट यानी रिमेनिंग सम अश्योर्ड 40% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन और जो कि आता है कुल मिला के 11,40,000। चलो मैच्योरिटी का कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होता है। सम अश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपया, टर्म है 14 साल, प्रीमियम हम भरेंगे सिर्फ 10 साल और साल का प्रीमियम आएगा 1,14,829 रुपया। तो मुझे पहला बेनिफिट जो मिलता है वो है सर्वाइवल बेनिफिट 1 जो है 30% ऑफ द सम अश्योर्ड जो है 3 लाख रुपया। उसके बाद आता है सर्वाइवल बेनिफिट 2 दोबारा 3 लाख रुपया और उसके बाद मुझे आएगा दूसरा बेनिफिट जो है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट में मुझे आएगा रिमेनिंग सम अश्योर्ड 40% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 4 लाख रुपया प्लस गारंटेड एडिशन फर्स्ट यानी 5 साल का जो गारंटेड एडिशन है 50 रुपीज पर 1000 सम अश्योर्ड वो आएगा 2,50,000 रुपया। उसके बाद गारंटेड एडिशन 2 यानी रिमेनिंग प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए जो 55 रुपए के हिसाब से मुझे बोनस मिलता है वो यानी 2,75,000 रुपया और टोटल लॉयल्टी एडिशन हमने लिया है 215 रुपया जो मिलेगा मुझे 2,15,000 रुपया। सो टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट जो मुझे मिलता है ऑन द 14th ईयर इज 11,40,000 रुपीज। सो कुल मिला के मेरा टोटल बेनिफिट ये पॉलिसी में हो गया, एक तो सर्वाइवल बेनिफिट का 3 लाख और मैच्योरिटी का 11,40,000 रुपया। सो कुल मिला के हो गया 17,40,000। अब देखते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट फॉर द टर्म 16 ईयर्स। पहला ही प्रीमियम भरने पे 10 लाख की पॉलिसी शुरू हो गई, प्रीमियम में 12 साल ही भरूंगा, आगे का प्रीमियम नहीं भरूंगा। तो 12th ईयर में मुझे मिलता है सर्वाइवल बेनिफिट 35% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 3.5 लाख रुपया। फिर 14वें साल में मुझे सर्वाइवल बेनिफिट दूसरा मिलता है 3.5 लाख रुपया और 16वें साल में मुझे टोटल मिलेगा मैच्योरिटी बेनिफिट 30% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन जो कि आता है 12,08,000। इसका कैलकुलेशन देखते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट 3.5 लाख का आता है, दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट भी 3.5 लाख का आता है और टोटल मैच्योरिटी 12,08,000 और टोटल बेनिफिट जो है वो आएगा 19,08,000। चलो अब थर्ड टर्म का बेनिफिट देखते हैं यानी 18 साल के पॉलिसी का बेनिफिट देखते हैं। 18 साल के पॉलिसी में हम 14 साल ही प्रीमियम भरेंगे, 14 साल प्रीमियम भरने के बाद आगे का प्रीमियम भरने का जरूरत नहीं है। 14 साल में हमें मिलता है पहला सर्वाइवल बेनिफिट जो कि है 40% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 4 लाख रुपया। उसके बाद 16वें साल में हमें दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है जो कि है 40% यानी 4 लाख रुपया और 18वें साल में हमें मिलता है मैच्योरिटी बेनिफिट जो कि आता है 20% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन लॉयल्टी एडिशन। तो कुल मिला के होगा 12,76,000 रुपया। चलो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट 1 मिलता है 4 लाख, सर्वाइवल बेनिफिट 2 है 4 लाख, टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट है 12,76,000 एंड कुल मिला के जो बेनिफिट मिलता है वो 20,76,000। अब देखते हैं लास्ट टर्म यानी 20 साल की टर्म। इसका हम प्रीमियम भरेंगे 16 साल, 16 साल प्रीमियम भरने के बाद आगे का प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। 16वें साल में आपको पहला सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा 45% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 4.5 लाख रुपया। 18वें साल में दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा 45% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी 4.5 लाख रुपया और 20th ईयर में आपको मिलेगा मैच्योरिटी बेनिफिट जो कि आता है 10% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन, कुल मिला के होगा 14 लाख रुपया। इसका कैलकुलेशन देखते हैं। फर्स्ट सर्वाइवल बेनिफिट इज 4,50,000, दूसरा सर्वाइवल बेनिफिट 4,50,000 और टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट है 14 लाख, कुल मिला के 23 लाख रुपया। चलो अब डेथ बेनिफिट देखते हैं। मान लेते हैं 18 साल की पॉलिसी है और अनफॉर्चुनेटली लाइफ अश्योर्ड की डेथ हो जाती है 3rd ईयर में, तो नॉमिनी को मिलेगा 125% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस 3 साल का गारंटी एडिशन का बोनस और उसके बाद पॉलिसी खत्म हो जाएगी। नाउ 125% ऑफ द सम अश्योर्ड यानी सम अश्योर्ड है 10 लाख, तो 125% हो गया 12.5 लाख रुपया प्लस 3 साल का गारंटेड एडिशन 50 रुपीज के हिसाब से वो हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। जो टोटल नॉमिनी को जो मिलने वाला बेनिफिट है डेथ बेनिफिट वो है 14 लाख रुपया। अब मान लेते हैं डेथ जो होती है वो 7वें साल में होती है, तो 7th ईयर में अगर डेथ हो गई तो नॉमिनी को मिलेगा
125% of the sum assured plus 5 साल का पहला guaranteed edition का bonus और उसके बाद 2 साल का remaining guaranteed edition bonus plus loyalty edition और उसके बाद policy खत्म हो जाएगी। चलो अब एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट देखते हैं। मान लेते हैं थर्ड ईयर में एक्सीडेंट के वजह से लाइफ अश्योर्ड की डेथ हो गई तो नॉमिनी को मिलेगा 125% ऑफ द सम अश्योर्ड प्लस 3 साल का गारंटी एडिशन का बोनस प्लस डेथ एक्सीडेंट बेनिफिट और उसके बाद पॉलिसी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। चलो अब डिसेबिलिटी बेनिफिट देखते हैं। मान लेते हैं थर्ड ईयर में एक्सीडेंट हो गया लेकिन डेथ नहीं होती, डिसेबिलिटी आती है तो आगे का सारा प्रीमियम जो है वो LIC पे करेगी, पॉलिसी होल्डर को पे करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगले साल से हर साल सम अश्योर्ड का 10% यानी 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया हर साल ऐसे 10 साल तक पॉलिसी होल्डर को मिलते रहेगा और 16वें साल में फिर पहला सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा जो कि आता है 4.5 लाख रुपया। उसके बाद 18वें साल में दोबारा सेकंड सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा जो कि आता है 4.5 लाख रुपया और 20वें साल में मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा जो कि आता है 14 लाख रुपये। इसके अलावा इस पॉलिसी में पेड अप वैल्यू बेनिफिट भी है, सरेंडर बेनिफिट भी है, लोन बेनिफिट भी है और ये सारे बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को 2 साल के बाद मिलेंगे पॉलिसी शुरू होने के। दोस्तों जिंदगी में खुशियां नहीं मिलती फ्री, इसलिए आपके पास होनी चाहिए LIC की बीमाश्री। थैंक यू फ्रेंड्स।